बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि संबंधी विभिन्न विषय हम लेकर आते हैं और होती है उन पर विस्तार से चर्चा। साथ ही हमारा मकसद होता है कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएं, आपकी आशंकाओं को दूर किया जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में और बेहतर तरीके से आपको जानकारी मिल सके ताकि इन जानकारियों का आप उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आशंका है तो ये लाइव फोन कार्यक्रम है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर हम करेंगे चर्चा और लेंगे आपके सवाल, आइए सबसे पहले नजर डालते आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसा कि योजना के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये किसानों के सम्मान से जुड़ी हुई योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री की तरफ से खुद पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसी के साथ ही इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारी सरकार की तरफ से होली का तोहफा मिला है किसानों को और 16वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। हमारे किसानों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं और अगर आप देख रहे हैं तो आपके भी खाते में पैसे आ गए होंगे। अगर कोई भी लेकिन इसके अलावा आशंका है तो ये मंच आपके लिए है। तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। पहला नंबर नोट करें 1800-113-060, दूसरा नंबर 1800-113-061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप का भी विकल्प है 8800-520-7177। व्हाट्सएप करते हुए आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अब आप नोट कर ले हमारा ईमेल पता यानी तीसरा विकल्प। आप हमें अपने सवाल ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपके सवाल लें, उससे पहले कुछ बुनियादी बातें एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें। जब भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, कोशिश करें आप नेटवर्क क्षेत्र में ही हो, ऐसी जगह से फ़ोन करें जहां से हम आपको स्पष्ट सुन सकें, किसी तरह की आवाज़ें ना हो, शोर ना हो, ताकि सवाल सुनने में कोई व्यवधान ना हो, उचित और सही जवाब आपको उसका मिल सके। व्हाट्सएप करते हुए या फिर ईमेल करते हुए अपने सवालों को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें और अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। तो आपके सवालों को हमें इंतजार रहेगा। और जैसा कि हमने आज के विषय के बारे में आपको जानकारी दे दी है, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। ये प्रयास है किसानों को सशक्त करने का। धन की कई बार आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति इस योजना के माध्यम से की जा रही है और ये आप किसानों के सम्मान के लिए है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ दो बहुत ही विशेष मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, आप संयुक्त सचिव एवं सलाहकार हैं पीएम किसान योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज की जो ये योजना है, जो विषय है, उस पर बहुत विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त हैं ऋण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। तो देखिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसान चैनल आपका अपना मंच है, जो भी सवाल है सीधे आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आपके सवाल लें। उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज का जो हमारा विषय है उससे जुड़ी रिपोर्ट है। उससे पहले कुछ विशेष बातें आपको हम बताते हैं। सर जो हम ये सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
पीएम किसान सम्मान निधि का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो हमारे जो किसान हैं, किसानों को वित्तीय सहायता देना ताकि वो अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकें, अपनी जो उनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनको भारत सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो मेन उद्देश्य ये है। हम भारत सरकार साल के 6,000 रुपया उनको प्रतिवर्ष देती है 2,000 की 3 किस्तों में, और हमारे यहाँ चूँकि देश में 3 सीजन होते हैं तो उन तीनों सीजन के पहले दिया जाता है कि ताकि उनकी सीजन के उस सीजन के जो कृषि की आवश्यकताएं हैं वो उससे उनकी पूरी आवश्यकता पूरी हो सके। जी जी बिल्कुल, तो कृषि की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। और देखिए इसका जो समय है वो भी बहुत सोच विचार कर रखा गया है। जब हमारे किसानों को नई फसल की तैयारी करनी होती है उस वक्त उनके खाते में पैसे पहुँच जाते हैं और ये एक बड़ी राहत रहती है। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही अच्छी योजना है और ख़ास करके उस टाइम जब किसी के लिए जब कार्य होते हैं, सीजन होते हैं, तो उस टाइम में किसानों को जो है कैश की आवश्यकता होती है कि छोटी छोटी ज़रूरत है जो चीज़ों को जो है वो उस टाइम जो उनके पास जो कैश आ जाते हैं उससे उनको किसानों को जो है बहुत सुविधा मिलती है। सारी योजनाओं को एक तरह से जो है उसको एकत्रित करके उनको इससे क्या है मल्टीप्लायर हो जाता है, उनके सारे लाभ लेने में ये जो है और मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जिससे सारे किसान इससे लाभान्वित होते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारा देश किसानों का देश है और किसानों की मेहनत उनके बल से ही हमारे देश का भविष्य और उज्जवल होगा, और इसीलिए सरकार सबसे पहले किसानों को सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं अपनी इस रिपोर्ट से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी है। महाराष्ट्र के यवतमाल से लगभग 9 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 से मानी जाती है और फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई थी। सरकार अब तक इसकी 16 किस्तें दे चुकी है। देश के 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3,00,000 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। इस योजना को पूरे 5 साल हो चुके हैं। सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है, यानी सरकार एक साल में किसानों को 6,000 रुपए देती है। यह राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत खाते में डाला जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इससे किसानों का समय भी बचता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से किसान खेतीबाड़ी से जुड़ी अपनी जरूरतें जैसे खाद बीज खरीदना पूरी कर पा रहे हैं। सभी किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को ईकेवाईसी करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद लाभकारी किसानों के नामों की लिस्ट पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अलावा जिन किसानों को योजना का फायदा मिलता है उनके मोबाइल पर एसएमएस भी भेजा जाता है। लाभार्थी की पहचान का पूरा दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। इस पोर्टल पर जाकर आप पीएम किसान योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए भी, चीज़ों को और पारदर्शी करने के लिए भी, किसान और इसका अच्छे से लाभ ले सके सरकार की तरफ से समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं।
चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से, लेकिन हमें आपके सवालों का इंतजार है। हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर आप कॉल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सर, जैसे कि सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस पूरी योजना की रूपरेखा को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, जो किसान हमें देख रहे हैं उन्हें और बेहतर तरीके से समझाया जा सके कि दरअसल ये है क्या, कैसे योजना काम करती है। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। पीएम किसान सम्मान निधि ये सभी भूधारकों के लिए ये अप्लीकेबल है, ये उनको मतलब उसके लिए योग्य हैं। तो कोई भी किसान जो इसमें लाभ जिनको मिल रहा है तो उनको लाभ मिल रहा है, या जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो उनके पास कृषि योग्य जो भूमि होती है वो होना चाहिए, और उसके बाद वह जो है इसमें हमारे पीएम किसान पोर्टल पर जाके वह रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे इसकी जो सर्विस है, इसके जो हमारे 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उस पर भी उपलब्ध है, तो किसानों को कहीं भी कोई परेशानी की असुविधा ना हो वह अपने नज़दीकी जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ पर जाके वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो उनके ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनके कृषि के जो विभाग हैं वहाँ पर भी इनकी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर जाके ये अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि एक वेब पोर्टल भी है www.pmkisan.gov.in, जो कि हम स्क्रीन पर आपको बीच बीच में दिखाते भी रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आशंका है, तो ये आपके लिए एक घंटे का मंच है, ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सुनील जी, इसके देखिए ये तो हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सीधे किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं। अब ये उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी ज़रूरत है कि उस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करें। इससे और किस किस तरह के लाभ होते हैं, क्योंकि अगर किसान के पास सीधा पैसा आता है तो वो उससे मल्टीप्लाई भी करता है, मतलब अगर अच्छी फसल होती है या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है तो उसका दूरगामी प्रभाव भी कहीं ना कहीं उनके विकास में दिखाई देता है। इसे हम किस तरीके से समझें? देखिए, ये जो है पीएम सम्मान निधि योजना से सरकार के पास ये किसानों का जो है डेटाबेस बहुत अच्छा आया है। किसानों का जो डेटाबेस आया है उससे सारे स्कीम्स को भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इसमें अन्य स्कीम्स की योजनाओं को भी हम इसके थ्रू लाभ दें। इसी कड़ी में जो है कि एक भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो चल रही थी योजनाएं, उसमें एक भारत सरकार ने किया है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो पात्र किसान हैं उनको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड से सैचुरेट करें, उनको उपलब्ध कराएं, क्योंकि एक अच्छे डेटाबेस है, उस डेटाबेस से हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो है लगातार कोशिश की जा रही थी, और कोविड के टाइम में भी हम लोग ने इसको जिस टाइम जो है पूरे व्यवसाय जो खासकर के ठप थे और कृषि में बहुत अच्छे काम हो रहे थे, और कृषि में भी अच्छे काम होने के कारण बैंक ने उस टाइम जो है 2.5 करोड़ जो है किसान क्रेडिट कार्ड उस टाइम किसानों को जारी किया। जी 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 बिल्कुल। एक हमारे पास सवाल आया सर, हम सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप सवाल है, सुनील गुप्ता है जिन्होंने राजस्थान से हमें सवाल भेजा है, और ये जानना चाहते हैं कि सम्मान निधि योजना के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी अगर इस योजना में इन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है तो इसके लिए इन्हें क्या क्या करना होगा सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन से हमारे लाखों जो और जो कृषक किसान भाई बने हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ये किसान जो सम्मान निधि है स्कीम, ये बिल्कुल पेपरलेस है जी। और ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इसको बनाया गया है इसमें, ताकि किसानों को, हमारे जो किसान बंधु भाई लोग हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वह आप इस किसान रजिस्टर करने के लिए आप योग्य हैं कि नहीं। तो योग्यता में से सबसे पहली चीज आती है कि वो आपके पास जो कृषि भूधारक हैं कि नहीं, आपके पास अपनी जमीन है या जमीन है तो उसमें आपका नाम है कि नहीं। अगर आपके दस्तावेज हैं जमीन पे, आप उसमें नाम है, और आप इसके साथ कुछ हमारे यहाँ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जैसे कि आप किसी सरकारी कर्मचारी ग्रुप ए ग्रुप बी के अधिकारी ना हो, आप इनकम टैक्स पे ही ना हो, और कुछ जो डिफाइंड हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप MP MLA ये सब नहीं है, किसी संविधानिक पद पे नहीं है, तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे जो अहम रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कल्टिवेबल जो भूधारक जमीन होनी चाहिए, और आपके अकाउंट में, चूँकि सीधे खाता में आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट होना वह जरूरी होता है। जी बिल्कुल। सर, EKYC के बारे में भी मैं आगे आपसे अब थोड़ा सा जानूंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, हम सवाल
सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं उदय महाराष्ट्र से और ये कहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 जो किस्तें हैं उनके पास आई, उसके बाद ये बंद हो गई और लैंड शेडिंग बता रही है इसकी समस्या बताई जा रही है। जब उन्होंने इसके बारे में पता किया, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो नज़दीकी दफ्तर है वहाँ जमा करा दिए, लेकिन अभी तक उनकी किस्त नहीं आ रही है, क्या करें? तो इसमें पहले तो ये, जैसे मैंने बताया कि उनको ये चेक करना होगा कि उनके नाम पे ज़मीन है कि नहीं है। अगर वो ज़मीन का, अगर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के जो कृषि विभाग हैं उनसे वो संपर्क करें और वहाँ से जैसे ही वो अप्रूवल कर देते हैं और उसके पश्चात हमारे यहाँ से जो भी उनका जिस डेट से उनका अप्रूवल होता है और उस डेट से हमारा उनका बेनिफिट यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। सर, यहाँ पर ये समस्या क्यों आती है? कई बार हमारे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि हमारी इतनी किस्तें आएँ उसके बाद बंद हो गई, हम क्या करें, क्यों नहीं आ रहा पैसा, चूंकि क्यों नहीं आ रही, क्या वजह? इसमें चूंकि जैसे मैंने बताया कि आपको कि इस स्कीम के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है वह आपके पास जमीन होनी चाहिए, वो कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और उसका आपका जो जमीन है उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो चूंकि एज पर ROR आपका नाम उस पे डॉक्यूमेंट पे है तो उस डॉक्यूमेंट को ले जाके आप उसमें से अपने जो कृषि विभाग हैं उनके करते हैं या जनसेवा केंद्रों से आप अपलोड करते हैं। चूंकि शुरुआती दौर पे जो हमारा जो लैंड सीडिंग है वो उसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, बाद में उसको सुनिश्चित किया गया है, तो ये इसमें कोई किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी असुविधा नहीं है। तो आप अपने नजदीक कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहां भी जाके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आज के डेट में 3 चीज है। एक तो आपका जो जमीन उसमें लैंड सीडिंग मैंडेटरी है उसको होना चाहिए, दूसरा आपके साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो आधार से लिंक इसलिए जरूरी है कि चूंकि कोई भी आदमी किसी का भी बैंक अकाउंट दे सकता है, तो लेकिन जब वो हमारे आधार से लिंक हो जाता है तो वो पैसा मेरे ही खाते में जाता है, तो ये जरूरी है। और तीसरी जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है वो EKYC, क्योंकि स्कीम चूंकि ताकि जो भी पात्र हैं, जो भी किसान उसमें रजिस्टर हुए हैं वो पैसा उनको ही जा रहा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए EKYC है। तो ये 3 कंडीशन वो देख ले, अगर ये 3 कंडीशन पूरी है, और इसके लिए भी उनको कोई भटकना नहीं है, हमारे पीएम किसान पोर्टल पे जो आपने बताया pmkisan.gov.in पे चले जाएं, उस पे KYS मॉड्यूल है। KYS का मतलब ये नो योर स्टेटस, तो उसमें आप जाइए, अपना बेनिफिशियरी ID नंबर डालिए, अगर बेनिफिशियरी ID नंबर के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा और जैसे ही OTP डालेंगे आपका जो भी स्टेटस है वो बता देगा, तो उस चीज को पूरा कर लीजिए और आपके पास तुरंत तो बेनिफिट आपके पास जाने लगेगा। जी सुनील जी, आप यहाँ पर कई बार हमारे किसानों को भ्रांतियां हो जाती है कि एक ही परिवार में क्या सबके पास ये राशि आ सकती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें परिवार का एक इकाई क्या है, इकाई दिया गया है, इसमें है पति पत्नी और बच्चे का इकाई डाला हुआ है, तो पति पत्नी और बच्चे अब इसके लिए पात्र हैं। हो सकता है कि एक होल्डिंग में इस तरह का जो है कि ज़्यादा लोग भी हों तो वो भी पात्र हैं, लेकिन यही जो जभी जैसा सर बता रहे थे कि उसमें भी जो भी पात्र हैं जो मुख्य होंगे पति पत्नी के नाम पर कम से कम जमीन होना जरूरी है और बच्चे उसके एक अंग होंगे। जी जी बिल्कुल, तो इससे जुड़े हुए भी अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं कि मेरी पत्नी के नाम पर भी भूमि है, खेत है, पति के नाम पर भी है, तो क्या दोनों को जो ये सम्मान निधि है वो मिलेगी या फिर किससे माना जाएगा, पत्नी को माना जाएगा या पति को माना जाएगा, ऐसे अक्सर सवाल आते हैं, तो इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज के हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसकी 16वीं किस्त जारी कर दी गई है और आप किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए होंगे। लेकिन अगर कोई फिर सवाल है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और आप जैसे जानते हैं कि हमें टोल फ्री नंबर से कॉल कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं, वो हम ले लेते हैं। सर, ये हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि इनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं, ये कैसे चेक करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमारे कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जिनकी ये दुविधा बनी रहती है, तो इसीलिए हमने आपसे बताया कि हमारे पास दो बहुत अच्छा सिस्टम है। एक तो किसान हमारा जो पोर्टल है किसान pmkisan.gov.in, उस पर जाएँ और KYS मॉड्यूल पे जाएंगे, उस पर अपना बेनिफिशियरी आईडी डालेंगे या आधार नंबर डाल के OTP आएगा, उस पर उनका स्टेटस पता चल जाएगा कि उनके यहाँ किस अकाउंट में गया है। उस अकाउंट में लास्ट के 4 डिजिट भी दिए जाते हैं, तो उसमें उनको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि जब भी हम रिलीज करते हैं, अगर उनका मोबाइल नंबर अगर हमारे पोर्टल पर है, चूँकि ज़्यादातर लोगों का है, तो उस मोबाइल नंबर पर भी हम मैसेज भेजते हैं कि भाई ये इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तीसरा एक है कि हमारा एक किसान ई मित्रा है, चूँकि बहुत सारे किसानों को अक्सर किसान बंधु भाई बंधुओं को ये दिक्कत होता है कि वो इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि पोर्टल में जो भी जानकारी होती है तो इंग्लिश में होती है या हिंदी में होती है। तो अब जैसे जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको हिंदी में सुविधा होती है, उसमें कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए, निदान के लिए, एक मंत्रालय ने किसान ई मित्रा चैटबॉट बनाया है, एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो आपको आप उसमें पीएम किसान मोबाइल ऐप है उसमें जाएंगे, उसमें वो सुविधा अवेलेबल है, तो उसमें आप अपनी भाषा में, अभी तक जो हमारा 10 भाषा में हमने उसकी सर्विस को उपलब्ध कराया है, तो आप अगर उससे आप जैसे हम आप बात करते हैं उस तरह से आप बात करेंगे, आपकी वो पसंदीदा लैंग्वेज एक बार सेलेक्ट कर लेगा और फिर वो आपसे आपका बेनिफिशियरी आईडी पूछेगा या आधार नंबर OTP डालेगा, जिससे कि वही आदमी है, उसी जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं वो वही व्यक्ति है, फिर वो जो आपकी समस्या है वो आपको बता देता है कि हाँ आपके पैसा डाल दिया गया। ये बिल्कुल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे हम आमतौर पर एक टोल फ्री नंबर होता है और हम कॉल करते हैं, कस्टमर के एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, तो ये एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सुविधा आपके लिए बनाई गई है, ई मित्रा चैटबॉट है। तो कोई भी सवाल हो, जो भी आप 10 भाषाओं में, जैसा कि सर बता रहे हैं कि अभी ये सुविधा उपलब्ध है। एक कॉलर है, नंदकिशोर मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वंचित किसान है उनको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसे जिन लोगों ने पहले कराया तो उनका जैसे पीएम किसान पोर्टल भूमि का वितरण दर्ज होना, किसानों के पीएम किसान पोर्टल पे AKYC बैंक खाते आधार सेटिंग होना, इसके अलावा उनको और क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो अमल में है, इसीलिए किसानों के दिल दिमाग में कमल है। आप ये जानना चाहते हैं कि जिनके पास पहले, सर हाँ मैं जो इनकी क्वेश्चन को किसान है उनको हाँ, क्या क्या करना चाहिए। हाँ मिश्रा जी, मैं जो आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो इसमें जो किसान है उनको ये योजना मिलने के लिए वो क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इसमें पहला जो हमने अभी जो चर्चा में भी पहले हमने बताया है कि आप सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास भूधारक आप हैं कि नहीं है, आपके नाम से जमीन है कि नहीं है। अगर आपसे अपनी जमीन है तो उसमें उसके बाद सिर्फ आपको आधार सीडिंग बैंक अकाउंट की जरूरत है। आधार सीडिंग बैंक अकाउंट की सुविधा आप अपना जिस भी अकाउंट ब्रांच में बैंक में आपका बैंक अकाउंट है उसमें जाके आपको अपना एक आधार का कागज देना दिखाना पड़ता है, फोटो कॉपी, और एक फॉर्म में उसमें साइन करके देना पड़ता है कि मेरे अकाउंट को आप आधार से लिंक कर दीजिए। और ये आधार लिंकिंग की व्यवस्था आपको इंडियन पेमेंट पोस्टल बैंक के द्वारा आपके दरवाजे पर भी इसकी सुविधा दी जाती है, तो आप उनके द्वारा भी करवा सकते हैं। और तीसरा EKYC, इन तीन के अतिरिक्त इसमें पीएम किसान में किसी अतिरिक्त चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी ये तीनों कंडीशन पूरी है तो आपको बिना किसी असुविधा के जब भी प्रधानमंत्री के द्वारा किस्त का हस्तांतरण किया जाता है वो आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक हमारे पास सवाल आया सर, ये चमन लाल जी हैं हिमाचल प्रदेश के हमारे दर्शक,
और ये कहते हैं कि इनके पास जमीन नहीं है, ये भूमि नहीं है इनके पास, लेकिन ये इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या इन्हें लाभ मिल सकता है? चमनलाल जी किसान है, अपने आप को किसान बता रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये जो किसान जो अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये अभी सिर्फ भूधारकों के लिए ये अप्लीकेबल है, उनको ही ये प्राप्त होती है। अभी तक इसमें जिनके पास जमीन नहीं है उनको इससे जुड़ने के लिए अभी कोई इसमें प्रावधान नहीं है। जी जी सर, कई हमारे ऐसे भी किसान हैं जिनके यहाँ इस तरह के सवाल भी आते हैं कि अभी पिता के नाम पर ज़मीन थी और फिर पिता नहीं रहे, तो तब वो अकाउंट भी क्लोज कराना ही पड़ता है आपको, उसके बाद वो पैसा कहाँ जाएगा, किसके पास आएगा, क्या इसके लिए किसी तरह की फिर से उन्हें कागज़ देने की आवश्यकता होती है, कोई क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा है, और जो कि इसमें देखिए ये किसान जो जैसा कि अभी सुनील जी ने भी बताया कि ये किसान परिवार को दी जाती है इसकी। जी, जी। तो किसान परिवार में कौन कौन आता है? पति पत्नी और उनके बच्चे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी तरह से अगर किसी के पिता के देहांत हो गया तो उसके बाद जो है ये जमीन उनके जो है पुत्र उनके जो भी उनके लीगल जो भी है उनके नाम पे हस्तांतरित होती है। तो उस उनके नाम पे अगर वो हस्तांतरित हो जाती है तो सबसे पहले अगर उनके परिवार में अगर किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर मृत्यु हो जाती है अगर अपनी घटना हो जाती है तो उसको तुरंत जाके उसको बंद करा दीजिए, स्कीम में बता दीजिए, उनका स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई भी करते हैं लेकिन आप उसको बंद करा दीजिए, और आप अपना वो जो जमीन है जो पिताजी की जमीन है वो अगर वो उनके नाम पे जो भी उनके पैतृक में आती हैं, जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, अगर उनके नाम पे जमीन चढ़ जाती है तो वो भी आप भी अपना उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी जी। तो एफरेस होगा तो उसका जो है आपको जो है नए सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मान लीजिए खाते में पैसे आ गए और ये अभी तक खाता जो बेनिफिशियरी था वो अब नहीं है, तो वो जो पैसा है ये भी बताएं मैं दर्शकों को कि वो रिकवर होगा, वो सरकार को वापस जाएगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि ये जो स्कीम है ये चूंकि अब वो जब उनकी डेथ नहीं हो गई है तो अब उसके अपात्र हो गए हैं, और इस तरह के अगर कोई पैसा भी जाता है तो उसको आपको जो है उनको वापस जो है सरकार को वापस करना चाहिए, और सरकार उसको रिकवरी भी कभी कभी करती है। जी सुनील जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड एक पहले से ही हमारी योजना चल रही है जिससे किसान काफी संतुष्ट है, वही किसान सम्मान निधि योजना भी है, किसानों को इससे किस तरह का आर्थिक बल या फिर कहें कि जो हमारे किसान हैं आपको लगता है कि उनमें एक आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि उन्हें पता है कि जब धन की आवश्यकता है तो मेरे पास किसान क्रेडिट कार्ड है, मैं उससे उस जरूरत को पूरा कर सकता हूं? क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या भी रहती है किसानों के पास, जो अनिश्चितता है, जब उन्हें धन की आवश्यकता है तो उन्हें ऋण के लिए पहले साहूकारों के द्वार द्वार भटकना पड़ता तो एक कॉबवे में फंस कर रह जाते थे, आपको लगता है इससे किसान बहुत सशक्त हो रहा है? देखिए सरकार की ये मंशा रही है कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें आर्थिक सुरक्षा में तो पीएम सम्मान निधि है ही, इसके अलावा जो है कि उनको जो है कि देखिए आप जब कृषि कार्य करते हैं तो पूरी कृषि कार्य करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता या तो अपने सेविंग से कर सकते हैं जो आप बचत करते हैं उससे आपकी हो सकती है, या जो है जो आपको बाजार से लेना पड़ता है। पहले जो किसान थे बाजार से जब लेते थे तो साहूकारों के चंगल में आ जाते थे, जिसमें जो है बहुत सारे किसान जो है बहुत सारे तरह के उसमें यातनाएं उनको झेलना पड़ता था। सरकार की कोशिश है कि सभी किसानों को जो संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं उनके साथ किसानों को जोड़ा जाए, और जो है किसान क्रेडिट कार्ड को सस्ते दर पर जब सस्ते दर पर और जितना उनको आवश्यकता है उनके आवश्यकता के अनुसार तुरंत जो है उसको उपलब्ध कराया जाए। जी जी। तो यही इसी चीज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना दी गई है, ये जो किसानों के लिए है केवल 7% ब्याज दर पर 3 लाख तक का इसमें दिया जाता है ऋण, और अगर किसान समय पर भुगतान कर देते हैं तो अतिरिक्त जो है वो 3% का ब्याज सहायता और दी जाती है। तो जो किसानों को है वो 3 लाख तक का जो ऋण है वो आपको जो है 4% ब्याज दर पर उपलब्ध होती है, और इसमें बहुत सारे चीजें हैं, इसमें जो है पीएम किसान सम्मान निधि के जो किसान हैं उनके लिए तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो किसान अन्य किसान भी हैं जो पशुपालन डेयरी फिशरीज पशुपालन भी इसमें इसमें जो सारे लोग हैं उनको भी इससे जोड़ा जा रहा है, ताकि जो है किसान इसमें से मैक्सिमम किसान जो है लाभ ले सके, और जो है खेती में जो भी इसकी आवश्यकताएं हैं जैसे आपका
बीज लेना है, सीड लेना है, आप आधुनिक जो आधुनिक जो चाहिए उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो सारे पूंजी उसमें लगा सकते हैं। और देखिए अच्छी बात है कि चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड है या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो आपको राशि मिलती है उसे आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, आपको उसका कहीं ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी किसानों के लिए बहुत ही सहूलियत की बात है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से कॉल किया है, परसिम लाल जी हैं फोन लाइन पर। जी बताएं क्या सवाल है सर आपका। हेलो परसिम लाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं, सवाल बताइए। मैम कि मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी, किसान है हम, कि हमारी दुविधा ये है, मेरी नहीं काफी लोगों की है, कि अगर पेरेंट्स जिंदा हैं तो बच्चों को उनके जो है जिनके नाम जमीन भी है वो इसे। ठीक है, हम समझ गए आपका सवाल सर। ये इस पॉइंट पर भी हम आने वाले थे कि कब तक एक परिवार को, मतलब बच्चों की किस उम्र तक माना जाएगा कि ये एक इकाई है, उसके बाद मतलब जैसे मेरे ख्याल से इनका सवाल यही कि अगर एक पिता के बाद पुत्र है, उसका अपना दूसरा परिवार है, तो उसके बाद क्या एक दूसरी ये यूनिट मानी जाएगी, क्या उसे भी सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा? परसिम लाल जी, इसमें बिल्कुल हमारे जो दिशा निर्देश हैं बिल्कुल क्लियर हैं। एक जो जब हम इसमें बोलते हैं पति पत्नी और माइनर चिल्ड्रेन, तो अगर वो माइनर चिल्ड्रेन है मतलब है कि उनका 18 साल से उम्र कम है, अगर उनकी 18 साल से उम्र अधिक है और वह उनका अपना परिवार है और जमीन भी अगर उनके नाम से जमीन भी है तो वो उसमें अपना पंजीकरण इसकी स्कीम में करा सकते हैं, और उसमें अगर अदरवाइज वो उसमें अयोग्य नहीं है तो वह उनका बेनिफिट, उनका लाभ इस स्कीम का मिलेगा। जी, और अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो ज़रूर हमें अपने सवाल बताएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पर, कहीं मत जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर लेंगे आपके सवाल। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम हेलो किसान में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसकी 16वीं किस्त जारी कर दी गई है। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, अपने सवाल हमें बताएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तीनों विकल्प आपके पास है, नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम आपने जिक्र भी किया एआई का, यानी किस तरीके से डिजिटली आप बहुत सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कैसे किसान घर बैठे ही इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो कैसे इसे और सुगम बनाया गया, लेकिन उससे पहले कॉलर है उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो करणजीत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए बात करते हैं उनसे। जी करणजीत जी बताइए क्या सवाल है, राजस्थान के श्रीगंगानगर से आप बात कर रहे हैं, सवाल बताएं। हाँ जी सर जी, मैं करणजीत सिंह बोल रहा हूँ जी, राजस्थान श्रीगंगानगर जिले से। जी हाँ जी, मेरे खुद के नाम जमीन है जी, 1 एकड़ जमीन है। तो मेरे को जी ये पीएम किसान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, मैं 8वें महीने का फॉर्म भरा हुआ है जी मित्रा से। तो उसमें क्या है जी कि दिक्कत हमारे को ये हो रही है कि वो स्टेट लेवल से पेंडिंग बता रहा है। स्टेट लेवल पे पेंडिंग बता रहा है? हाँ जी, स्टेट लेवल से पेंडिंग बता रहा है, मैं तहसील से जाके तहसीलदार जी से उसको अप्रूवल करवा दिया है। ठीक है, वो सारा उनने डॉक्यूमेंट को भेज दिया, मगर स्टेट लेवल से आज 6 महीने 7 महीने हो रहे हैं पेंडिंग बता रहे जी।
कर्मजीत जी, और मुझे मतलब कि ये दुख है कि आपका इतने समय से पेंडिंग है, वैसे होना नहीं चाहिए। और चूंकि आप अगर आप अपना, चूंकि आप 5-6 महीने पुराना स्टेटस बता रहे हैं, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारे जो पोर्टल पे pmkisan.gov.in पोर्टल पे चले जाइए और वहाँ पे KYS मॉड्यूल है, उस पे जाके आप अपना अभी का स्टेटस चेक कर लीजिए। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है कि वो राज्य सरकार द्वारा उसको अप्रूव कर दिया गया होगा। आप अपना नवीनतम चेक कर लीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसमें, चूंकि हमारे पास जो किसान ई मित्रा चैटबोट है उससे भी आप जानकारी और आप प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे जो पीएम किसान की जो ईमेल आईडी है और जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं आप उस पर भी फोन करके, और मैं भी इसको देखूंगा कि इस तरह की जो अगर स्टेट लेवल पे कोई पेंडिंग है तो हम लोग उनको चूंकि बराबर फॉलो अप करते रहते हैं, हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग भी होती है, लेकिन फिर भी मैं उसको विशेष रूप से देखूंगा। आपसे एक अनुरोध है कि आप उसको अपना KYS मॉड्यूल पे जाके अपना इसका नवीनतम स्टेटस चेक कर लीजिए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये हो सकता है कि आपको बेनिफिट प्राप्त दे दिया गया होगा, इसमें जो सलामी किस्त है उसके साथ तो रिलीज हो चुका होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए खुद मनोज कुमार जी खुद कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों पर रिव्यू करते रहते हैं कि कहाँ क्या अड़चन आ रही है और उस अड़चन को दूर किया जा सके ताकि हमारे किसानों को लाभ हो। अब सर एक सवाल मेरे पास आया है, ये हमारे दर्शक हैं अश्विनी हैं जिन्होंने गुजरात से हमें ये सवाल भेजा है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस योजना का लाभ 1 बीघा खेती वाले किसान को भी मिल सकता है, तो क्या इसमें कोई कोई मानक है कि इतनी जमीन वाले को मिलेगा? नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं है। आपके पास अगर कोई कृषि योग्य जो भी भूमि है, आप कृषि करते हैं, और अदरवाइज जो भी हमारी जो कंडीशन है इसमें, जैसे हमने बताया कि इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, आप आयकर दाता नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं जो उसमें क्लासिफाइड है नहीं है, अदरवाइज अगर आप अयोग्य नहीं है तो आप इसमें, आपको इसमें आप लाभ मिलेगा, आप ले सकते हैं। जी जी सुनील जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगी जो हमारे किसानों का भी सवाल रहता है कि मान लीजिए जब से ये योजना शुरू हुई किसी वजह से, या फिर उनका कुछ कमी रही और अप्रूवल नहीं हुआ और उनके खाते में पैसे नहीं आए, तो किसान ये सोचते हैं कि जब से ये योजना तब से हमारी किस्तें जो पेंडिंग है या फिर क्या जो नहीं मिल पाई वो भी मिलेंगी, तो क्या ऐसा है? नहीं नहीं, देखिए ये इसमें किसान भाइयों को जो है जो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और प्रक्रिया में जो है देखिए ये हर एक स्टेट को ये दिया गया है, उसमें स्टेट में नोडल ऑफिसर हैं और ये हमेशा रिव्यू किया जाता है, और जब ये स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेंगे उसके बाद की जितने किस्तें हैं वो सारे उनको भुगतान होगी। तो जब आवेदन करेंगे उसके बाद आपको मिलेंगे, आवेदन के पहले का मुश्किल है, आवेदन के बाद की सारी किस्तें उनको मिलती है। जी बिल्कुल, और सर मैं मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम डिजिटल सुविधा की बात कर रहे थे तो अब किस किस तरीके से इसमें सुविधा है किसानों को? ये मतलब जितनी भी मैंने बहुत सारी स्कीमों में देखा है, लेकिन जो पीएम किसान स्कीम है यह बिल्कुल एकदम जैसे फेसलेस बोलते हैं हम इसको, और पेपरलेस है, तो इसमें हर चीज की इसमें आपको जो है एक डिजिटल सिस्टम है, पूरा फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे हमारा सरकार का यह प्रयास है कि हमारे किसान भाई बंधुओं को किसी बिना किसी असुविधा के उनको लाभ मिल सके। जैसा मैंने आपसे बताया कि पीएम किसान पोर्टल जो कि हमारा काफी एडवांस पोर्टल है, उसमें सारी जानकारियां उनको उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पीएम किसान मोबाइल ऐप है, पीएम किसान मोबाइल ऐप आजकल जो कि एंड्रॉयड फोन सबके सारे लोगों के पास है, और सारे लोगों के पास नहीं, कम से कम सारे परिवारों में तो है ही है, और हम ये मानते हैं कि हमारे किसान हमारे गांव में भी काफी अच्छे नंबर पे भी एंड्रॉयड फोन हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो पीएम किसान मोबाइल ऐप को उसमें डाउनलोड करके और उसमें भी सारी सुविधा जो पीएम किसान पोर्टल पे है या जो सारी सुविधा हमारी कॉमन सर्विस सेंटर पे है वो सारी सुविधा हमारे मोबाइल ऐप पे है, उस पर जाके उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमने आपसे बताया कि ई केवाईसी एक अहम चूंकि कड़ी है इसमें पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए, तो हमने एक अभी सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पीएम किसान जो मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, तो आपको ई केवाईसी करने के लिए कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, और आप अपना रजिस्टर करके अपने आधार के साथ ओटीपी के साथ रजिस्टर करना होता है, और आपके सारे अकाउंट की डिटेल आ
आ जाएगी। अगर आपका ई केवाईसी नहीं है तो उसमें वो स्टेटस भी बता देता है कि आपका ई केवाईसी नहीं है, स्टेटस में नो, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका पूरा उसी मोबाइल के थ्रू आपका ई केवाईसी हो जाएगा। तो ये आप तुरंत इमिडिएटली आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपसे बताया कि किसान ई मित्रा जो चैटबोट है, इसमें हमारे किसान भाई 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 बहनों को जो है उनकी अपनी भाषा में, क्योंकि कभी कभी हमें होता है लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, तो इन सबको आसान बनाने के लिए लगभग जो सुविधा अभी हमारे 10 भारतीय लैंग्वेजेस में कर दिया गया है, बहुत थोड़े ही समय में हम उसको और भी जो हमारी 16-17-18 लैंग्वेजेस हैं हम उसमें उपलब्ध करा देंगे, ताकि हमारे देश के कोने कोने में किसान भाई बंधु जो है उसका लाभ ले सके, आप उसका कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं जो है, इस डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से आप इसका जो बेनिफिट है आप बिना किसी असुविधा के ले सकते हैं। हम यह भी जानते हैं, सरकार के द्वारा यह भी रहता है कि कभी कभी लोगों को जानकारी होती है लेकिन अपने से स्वयं करने में असुविधा महसूस करते हैं किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए देश के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो जन सेवा केंद्र हैं, वहां पे भी ये सुविधा अवेलेबल है। तो वहां पे भी आपको कुछ भी नहीं, जैसे मतलब अगर आप डिजिटली नहीं इतने बेहतर, मतलब आप उतना फ्रेंडली नहीं है, डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, तो आप इन कॉमन सेंटर्स पर भी जा सकते हैं। जी सर, एक कॉलर हैं, हम उनका सवाल लेते हैं। रामदास पाटिल जी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें फोन किया है। रामदास जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो, मैं प्रहलाद, हाँ प्रहलाद रामदास पाटिल बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। हाँ, तो मेरे पिताजी के जो खाते में मार्च महीने में गुजर गए थे, उसके बाद के जो हफ्ते है वो मेरे पिताजी के खाते में चले गए है। हाँ तो बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ तो अभी मेरा, अभी मेरे वहां से वो खाता ओपन है ना वाला भाई। तो आपका अभी पिताजी के जो अकाउंट है वो ओपन है, तो आप उसको बंद करा दीजिए। आप उसकी जो मैं बंद कराने गया था वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि ये पैसा हम रिटर्न कहाँ पे भेजे, तो इसका आप मेरे को सॉल्यूशन देना। नहीं, इसका रिटर्न का भी है, भारत कोष हमारा पोर्टल है जिसमें ये सुविधा है, स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी है। आप उनको सिर्फ इतना करना है कि जो पीएम किसान उनका आधार नंबर है, आधार नंबर आप उनका ले लीजिए, आपके पास होगा ही, आधार नंबर के साथ जो है आप उनको स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पैसा है एक चालान भरते हैं, वो चालान भर के दे दीजिए, वो पैसा भी आपका वापस ले लेंगे और वो अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगर आपके नाम पे वो जमीन आ चुकी है, चूंकि जैसे वंशज आपके उनके उत्तराधिकारी के रूप में, तो आप अपना, अगर आप अदरवाइज आप योग्य हैं तो आप उसमें अपना अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। जी, यानी सक्सेशन अगर हो गया है तो उसका लाभ मिल सकता है आपको। और सर, एक हमारे पास सवाल और आया है, व्हाट्सएप सवाल है, मैं ले लेती हूँ। ये दुर्गेश कुमार पाटीदार है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से, और इनका भी वही सवाल है कि पिता के नाम पर जमीन है, उनके नाम पर अलग जमीन है, तो क्या उन्हें भी लाभ मिलेगा। हाँ, तो जैसा कि इसमें बताया गया है, सुनील जी ने भी उसको बताया और हमने भी बताया है कि आप अगर इसमें जमीन पिताजी के नाम पे है और अगर आपके नाम पे भी जमीन है और आपका अपना इंडिपेंडेंट परिवार है, तो आप इसके लिए, अगर अदरवाइज आप अयोग्य नहीं हैं, तो इस स्कीम में आप भी इसके पंजीकरण, आपका पंजीकरण हो सकता है। आप इसके लिए जो माध्यम से हैं, जैसे पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल, जन सेवा केंद्रों पे जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों से भी मिलके, जो कि वो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं पंजीकरण, उनसे आप करवा लीजिए और जैसे ही आपका स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगा आपको तुरंत उसका लाभ मिलने लगेगा। जी सुनील जी, एक सवाल आया हमारे दर्शक का और मैं चाहूंगी इसे थोड़ा सा और क्लियर करके बताएं। ये कहते हैं कि केसीसी के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में, हमारी जो दर्शक हैं इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, इनके 10,000 रुपये खर्च हुए हैं, उसके बाद भी बैंक केसीसी देने के लिए आनाकानी कर रहा है, क्या करें। पहले तो सवाल यही कि क्या वाकई में किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, और अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो क्या ये बैंक की आनाकानी हो सकती है जैसे इनका कहना है। देखिए, ये आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पीएम सम्मान निधि का, इसमें से क्या है कि इसमें से देखिए कि सभी किसान जो है बैंक से जुड़ चुके हैं। आप केसीसी के लिए जो आवश्यकता है, जो सारी आवश्यकता जो है, आप इसके अगर पात्र हैं पीएम किसान योजना के, तो सारे उसमें फुलफिल कर लेते हैं। हाँ, लगभग यही, इसलिए इसमें ये कोशिश किया गया, जो आप भारत सरकार ने अभी घर घर
केसीसी अभियान जो चला रही है इसी लिए चलाई जा रही है कि जिसमें हम लोग किसान को कि इसमें हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए इसमें जो है केसीसी के लिए भी चाहिए आप जमीन चाहिए जमीन इसमें भी है, आप बैंक से जुड़े होने चाहिए बैंक आपसे जुड़े हुए हैं, किस ब्रांच से आप ले रहे हैं सुविधा उस ब्रांच का नाम भी है हमारे पास, ई केवाईसी आपके किए हुए हैं, केवल आपको घोषणा करना है, एक छोटी सी फॉर्म होती है एक पेज का फॉर्म है उसको आप भरिए और जिस जहां से आप किसान क्रेडिट जहां पीएम सम्मान निधि का जो पैसा आप जिस ब्रांच में जा रहा है उनको आप एप्लीकेशन आप दीजिए और वो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो सारे चीज़ें इसी अभियान से जोड़ रहे हैं कि दोनों जो है ये योजना के कारण जो है केसीसी को हम लोग जोड़ने में बहुत आसानी है दें। अगर किसी तरह के जो इसमें भारत सरकार ने बहुत सिंपल कर दिया है कि एक पेज का एक एप्लीकेशन है उसको आप दे दें और उसके बाद जो है इसमें निर्धारित जो शुल्क है वो भी हम लोग ने तय कर दिया है कि जो सारे चीज़ें हैं उसमें बहुत सरलीकरण किया गया है इंडियन बैंकर एसोसिएशन के साथ बात करके और कर ले, अगर इनको लगता है कि हमें कोई हरास किया जा रहा है अदर किया जा रहा है तो आप इसका शिकायत करें। इसके अलावा जो है इसका एक जन समर्थ पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी शुरू किया है, जो अन्य अन्य जो है योजनाओं जो वित्तीय योजनाएं लोन से संबंधित है उसमें चल रही थी लेकिन इसमें केसीसी को भी जोड़ा गया है तो उसके माध्यम से आप करें, वो सारे जो पीएम किसान का डेटाबेस है वो सारे चीजें उनके पास है, वो सारा चीज उनसे फेच करके आपके एप्लीकेशन सीधे सीधे प्रोसेस सर, जैसा कि इनका कहना है कि इनके इतने पैसे खर्च हो गए तो इस चीज को मैं भी चाहूंगी थोड़ा क्लियरिफाई करें कि किसानों का इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगना, चाहे वो सम्मान निधि योजना है या फिर किसान क्रेडिट कार्ड है, तो क्या ये कहीं कुछ कोई कमी हो रही है कोई गलती हो रही है? देखिए इसमें क्या हम लोग जो बात किए हैं इंडियन बैंकर एसोसिएशन से जो बात हुई उसमें ये है कि देखिए कोई प्रोसेसिंग फीस में हमें देना नहीं है, 160,000 तक का हाइपोथिकेशन होता है जिसमें केवल जो है एक 100 रुपये के पेपर पर हाइपोथिकेट करके क्रॉप जो लगाए हैं उसका लगाया जाता है, अगर आप जो है 160,000 के से ज्यादा का ऋण लेते हैं तो कोलेट्रल सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में क्या है कि अभी बहुत सारे जो हैं स्टेट में चार्ज क्रिएट करने के लिए अभी वेबसाइट नहीं बने हैं, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी डायरेक्ट वहां चार्ज क्रिएट हो ताकि उसमें शुल्क कम लगे, लेकिन अभी भी क्या है जो उसके लिए कुछ कुछ जो है वकील के फी और अदर सारे चीजों को लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग ने 1,250 रुपये निर्धारित किए हैं कि इससे ज्यादा ना ले 3 लाख के लोन तक, 3 लाख के लोन के ऊपर की प्रक्रिया जो है अलग होती है, तो इतना हम लोग ने सारे बैंक जो है बैंक से बात करके हम लोग कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, तो देखिए हमारा मकसद यही है कि आपको सही सटीक जानकारी मिले, आप किसी फेर में ना फंसे और सरकार की योजना का पूरा पूरा लाभ आप किसानों तक पहुंचता रहे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहां हर सरकारी स्कीम की जानकारी, जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 DD किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं लोग किसान। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, इसीलिए जल्दी से हमें फ़ोन करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ एक दर्शक है शिवशंकर जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है औरैया से, आइए बात करते हैं उनसे। जी बताइए शिवशंकर जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है, हमारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा, 7 किस्तें तो आ गई है, इसके बाद लगभग 1 साल से बंद है। अच्छा सर, कुछ शिवशंकर जी क्या कमी है, हम क्या करें उसके लिए? शिवशंकर जी बस चूंकि आपसे एक ही अनुरोध है कि आप हमारे पीएम किसान पोर्टल पे जाइए और उसमें हमने बताया है कि नो केवाईएस मॉड्यूल है, आप उसमें जाके चेक करिए कि आप देखिए कि आपकी लैंड सीडिंग है कि नहीं है, अगर लैंड सीडिंग है तो आपका आधार सीडेड बैंक अकाउंट है कि नहीं है,
और अगर आधार सीडेड बैंक अकाउंट है तो फिर आप देखिए ई केवाईसी है कि नहीं। तो तीन कंडीशन है, यदि आप तीन कंडीशन पूरी होंगी तो कोई ऐसा रीजन नहीं हो सकता कि आपका पैसा ना मिले। तो इन तीनों चीजों को आप पूरा कर लीजिए और आपका पैसा बिना किसी असुविधा के लाखों करोड़ों किसानों को दिया जा रहा है, आपको भी बिना किसी असुविधा के पैसा आपके अकाउंट में हस्तांतरण हो जाएगा। जी सर, जैसे कि आप बताएं लैंड सीडेड अकाउंट और आधार सीड, मतलब आप मतलब ये कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होने का इसका मतलब ये है। और एक और मेरा सवाल, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा पोर्टल है, वेब पोर्टल है, तो अगर आप हमें देख रहे हैं, शिवशंकर जी भी सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये www.pmkisan.gov.in है, इस पर आप जाकर ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं जिसके बारे में भी सर ने हमें जानकारी दी। और अगर भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सुनील जी, और कुछ हमारे दर्शकों को आप एडिशनल जानकारी देना चाहेंगे जो अभी देख रहे हैं? देखिए, ये भारत सरकार ये पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ जो है उनके किसान जो है इस योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ लें, इसके लिए अभियान चला रखे हैं, खास करके किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। जैसे अभी अब घर घर केसीसी की बात कर रहे थे, जिसमें है कि पीएम सम्मान निधि के जितने भी पात्र किसान हैं उनको उस ब्रांच को हम लोग ने दिया है कि जहां से आप उनको पैसा मिल रहा है उस ब्रांच को हम लोग कह रहे हैं कि आप जो है उस जो किसान ले रहे हैं इसके लाभ उनको आप केसीसी भी उपलब्ध कराएं। इसमें भी हम लोग ने पोर्टल के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय में भी बहुत हम लोग ने प्रचार प्रसार किया था और बहुत सारे आवेदन प्राप्त किए गए हैं, उस आवेदन का भी हम लोग विचार करके दे रहे हैं। इसके अलावा भी ट्राइबल क्षेत्र के लिए जो पीएम जनमन योजना चल रही है, जो किसान जो है उनके जमीन नहीं है लेकिन वो जो है एफआरए पर जो उनको खेती कर रहे हैं उनके उनको पर भी मिलता है। इसके अलावा जो है अन्य जो है ये तो खेती जो है जिनके जमीन पर है, अगर जमीन नहीं भी है उनको अन्य व्यवसाय करते हैं जैसे पशुपालन है, डेयरी है, फिशरी है, उनके लिए भी ये जो केसीसी कार्ड उपलब्ध है, आप बहुत सस्ते दर पर आपको मिलते हैं 7% ब्याज दर पर और 3% अतिरिक्त आप समय पर भुगतान करते हैं, तो आप इनका लाभ अवश्य लें और इनके लिए आप बैंक को अप्रोच करें। सर, एक सवाल हमारे पास आया है, ये पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है और ये जो हमारे दर्शक, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हैं और इन्होंने लिखा है कि हमारे ज़िले का नाम आप ज़रूर बोले, तो देखिए हमने आपकी बात को रखा है यहाँ पर। और इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में, इनके ज़िले में पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन बंद है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में उन्होंने कुछ डेटाबेस बनाया हुआ है तो उस डेटाबेस के बेसिस पे राज्य सरकारें उनके हिसाब से कुछ अप्रूवल करती हैं, तो इसके लिए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो राज्य के और जो जिला के अधिकारी हैं उनसे वो मिलके वो संपर्क करें, अगर कुछ गैप होगा तो उसमें वो लोग इस पे कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राज्यों के द्वारा चूंकि वो जो भी एप्लीकेशन होती है उसको अप्रूव करना होता है, उसकी जो योग्यता के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वेरीफाई करना होता है, तो इसके लिए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो जिला के और ब्लॉक के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे वो संपर्क करें। जी जी बिल्कुल, तो देखिए आप तरह तरह के आपके लिए विकल्प हैं, आप डिजिटली यानी ऑनलाइन भी जाकर के अपनी समस्या रजिस्टर कर सकते हैं, बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहां क्या कमी रह गई है, और इसके अलावा कॉमन सेंटर्स तो बने हुए हैं जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, आप अपने आप भी जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अगर आपकी कोई आशंका है तो उसे भी दूर किया जा सकता है। सर, हमारे और दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, ताकि सभी को इसका, जो इसके पात्र हैं उनको लाभ मिले, उसमें कोई कमी ना रह जाए? बिल्कुल, मेरा चूंकि जैसे इस आपके कार्यक्रम के दौरान भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जिनको 2-3-4 किस्तें मिली हैं, 5 किस्तें मिली हैं लेकिन उनको बाद में किस्तें नहीं मिल पा रही हैं, तो मेरा सभी अपने किसान भाई बंधुओं से अनुरोध है कि वो अपना ये सुनिश्चित कर लें कि लैंड सीडिंग हो गया है, अगर लैंड सीडिंग है तो अपना आधार सीडिंग बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट को आधार सीड करा लीजिए और ई केवाईसी, और इसके बाद आपको बिना किसी असुविधा के आपके खाते में ये पैसा जाता रहेगा। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और अपने किसान जो भी हमारे भाई बंधु लोग उसको देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ये जो जानकारी बताई जा रही है आप अपने नज़दीकी जो आपके घर के नज़दीक में जो किसान भाई बहन लोग हैं उनको भी ये जानकारी दीजिए, और वो जो
मैंडेटरी कंडीशन के बारे में बताया गया है उनको भी आप बताइए, अगर किसी को अगर लाभ नहीं मिल रहा है, किसी को असुविधा नहीं असुविधा हो रही है, तो आप उनको यह बताएं कि ये कंडीशन है, इसको पूरा कर लीजिए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ बिना किसी असुविधा के मिल सके। जी जी बिल्कुल, तो देखिए मकसद सरकार का यही है कि हमारे किसानों तक इसका लाभ पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हमारे किसानों के लिए चलाई जा रही है ताकि किसान सशक्त हो, मजबूत हो, उनका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और वो बेहतर जीवन यापन कर सके, क्योंकि हमारा किसान है जिसके बल पर हमारा देश चल रहा है, हमारे किसानों की ही मेहनत है कि हमारी थाली तक, हमारे घरों तक भोजन पहुँच रहा है। और हमने देखा विपरीत स्थितियों में किसान डटे रहे और ये हमने कोरोना काल में भी देखा। सर अंत में कुछ और मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे सुनील जी? देखिए भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये सारे योजनाओं का लाभ किसानों के लिए दिया जा रहा है, किसान इनको और किसानों को के बीच में ये योजनाएं बहुत प्रचारित प्रसारित की जा रही है और डिजिटल माध्यम से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे पीएम सम्मान निधि हो, केसीसी कार्ड हो या अन्य योजनाएं हैं, इसका किसान जो है अवश्य लाभ ले और इसका अपने लोगों को भी बताएं लाभ लेने। जी 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 बिल्कुल, तो अगर हमारे अन्य किसान जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आग्रह भी करना चाहूँगी, जो हमारे आज के पढ़े लिखे युवा किसान हैं जो डिजिटली काफ़ी साक्षर हैं, वो उनकी मदद करें। और ये तो किसान का एक अपना स्वभाव भी होता है कि एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सर आपका भी, सुनील जी आपका भी, कि आपने इतनी विस्तृत चर्चा की और किसानों की बहुत सारी आशंकाओं को दूर किया, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हेलो किसान के अंक का क्या है विषय, आइए डालते हैं नजर। अगला हमारा विषय है लौकी, करेला और कद्दू की खेती। इससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कृषि में उचित जल प्रबंधन की भी बात करेंगे। अपने सवाल हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com पर। तो ये हमारा ईमेल आईडी से नोट कर लें। इसके अलावा आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113-0060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आज का कार्यक्रम आप फिर से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर हेलो किसान DD किसान चैनल, ये हमारी YouTube ID है, इसे सर्च करें। आज का हेलो किसान आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके अलावा पुराना भी कोई एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी सुविधा है। यहाँ आपसे लेंगे इजाज़त और हम आशा करेंगे कि हमारे किसानों को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहे और तमाम जो आपकी आशंकाएं हैं ज़रूर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर हुई होंगी। दीजिए इजाज़त, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।